सभी को बताएं दसवीं बारी के बोर्ड विद्यार्थियों से जुड़ी एक बड़ी अपडेट सामने मिली है दोस्तों। आप सभी को बताएं शिक्षा मंत्रालय ने जारी किया बड़ा दिशा निर्देश, आप सभी विद्यार्थियों के लिए जानकर बहुत ही ज्यादा खुशखबरी होगी। जी आप सभी बताएं मोदी सरकार की तरफ से दो बड़ी खुशखबरियां छात्र छात्राओं के लिए जारी कर दी गई है दोस्तों। आप सभी को बताएं 2021 के कोरोना के हालातों को देखते हुए 2022 की बोर्ड परीक्षा की तैयारियों को हिसाब से बोर्ड परीक्षा का पेपर बनाया गया है, जिससे कि बोर्ड परीक्षा को देते समय छात्र छात्राओं को काफी ज्यादा आसानी हो चुकी, बहुत ज्यादा आराम मिल चुके दोस्तों। आप सभी को बताएं कोरोना का ध्यान रखते हुए इस बार सेंटर की तुलना जो है लगभग 9 गुना ज्यादा बढ़ा दी गई, जिससे कि छात्र छात्राओं को कोरोना से खतरा से बचाया जा सके। साथ में आप सभी को बताएं मोदी सरकार ने एक और बड़ा निर्णय लिया है, शिक्षा मंत्रालय को यह भी आदेश दिया कि विद्यार्थियों को इसी भी हाल में ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को पास करना है, क्योंकि 2021 में कोरोना की वजह से स्कूल कॉलेज बंद रहे, जैसे में जो शिक्षण संस्थान था बंद रहा था, इस वजह से छात्र छात्राएं पढ़ाई न कर पाए, इस वजह से आप सभी का पेपर भी काफी ज्यादा सरल लेगा। लगभग सरकार ने वादा किया कि 90% ज्यादा इस बार सीबीएसई व एसएससी बोर्ड में विद्यार्थी पास होंगे। वहीं कॉपियों को जांचने का समय आप सभी को बताएं मात्र 25 दिन का रखा गया दोस्तों। आप सभी शिक्षा व्यवस्था जो कोरोना की वजह से इतने सालों से घबरा चुकी थी, वो लटपटरी से उतर चुकी थी, उसे दोबारा लाइन पर लाने के लिए मोदी सरकार ने बताया जल्द से जल्द हर निर्णय लिया जाए, वह बोर्ड परीक्षाओं को जल्दी जल्दी संपन्न करा के आप सभी का नया सत्र चालू करा दिया जाए, जिससे कि आप सभी की 2023 की परीक्षाओं को तैयारी करा सके विद्यार्थियों को। साथ में आप सभी मोदी सरकार कई सारी बड़ी योजनाएं बना रही है, जिससे कि बोर्ड परीक्षाओं को कराने में आप सभी को सावधानी व आप सभी को अच्छी तरीके से पूर्वक करा जा सके। जी हाँ, इसी के साथ आप लोगों को यह भी बड़ी जानकारी देते हैं कि इस बार आप सभी का जो पेपर 70% पाठ्यक्रम के साथ बना जा रहा है, लेकिन अगर देश में कोरोना वायरस की जो चौथी लहर है माना जा रहा है अप्रैल के 4th सप्ताह या फिर 3rd सप्ताह में आ सकती है, अगर उस टाइम कोरोना वायरस की चौथी लहर आती है तो बोर्ड परीक्षा के पेपर आप सभी के रद्द कर दिए जाएंगे। वहीं आप सभी इसको लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं, लेकिन माना जा रहा है कि तब बोर्ड परीक्षा पेपर जितने भी आप सभी के पेपर हो चुके होंगे उन्हीं में से आप सभी का रिजल्ट को तैयार करके आप सबका पेपर जो आप सभी का रिजल्ट होगा उसे घोषित कर दिया जाएगा। साथ में आप सभी बोर्ड परीक्षा को रद्द कर देगा शिक्षा मंत्रालय, वह और भी कई बड़े फैसले ले सकता है। सरकार ने यह वादा किया इस बार हर साल की तुलना में लगभग 9 गुना ज्यादा विद्यार्थियों को पास किया जाएगा, माना जा रहा है 80% से 90% तक विद्यार्थी को पास किया जाएगा। पेपर बहुत ही ज्यादा